It's 8:40 a.m. हाँ, so it's 8:40 a.m. और आज welcome to this is like the first transformation video and day one है आज. So Saturday को जाके मैं थोड़ा workout किया था. I did a full body training and a little bit of high intensity interval training. So हाँ, ये चीज़ मैंने realize किया कि मेरा strength बहुत कम हो गया, endurance लगभग ख़त्म ही हो गया. सो बेसिकली मेरा जो ईटिंग विंडो है वो 12 से 8 बजे का है, क्योंकि मुझको रात को ज़्यादा भूख लगती है. एंड ऑल्सो अभी कुछ भी नहीं खा सकता हूँ, सो आई विल जस्ट बी सर्वाइविंग ऑन वाटर एंड बस अभी सप्लीमेंट्स लेने का टाइम है. ऑल्सो मैं कल आप लोगों को बताने वाला था इंजरीज के बारे में, सो मैं बैठ जाता हूँ पहले भी. ऑलराइट, सो सी मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि दिस इज माई थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. सो मुझको अपने बॉडी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है कि वॉट डाइट्स वर्क ऑन मी, वॉट डजेंट वर्क ऑन मी, मेरे ऊपर कैसे एनर्जी सूट करता है. इफ़ आई हैव लाइक आई हैव ट्राइड रियली लो कार्ब डाइट, उसमें मेरा हालत ख़राब रहता है. सो आई डोंट टेंड टू डू दैट. एंड द बेस्ट थिंग आई फिगर आउट फॉर माई सेल्फ वॉज कि मेरे को इंटरमीडियंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा सूट करता है. सो आई विल बी गोइंग विद दैट ओनली. एंड इंजरीज की बात करूँ तो राइट वाले में मुझको लिगमेंट रप्चर था, फिर एंकल टूटा हुआ था, उसको मैं एक्सरे का फोटो यहाँ पर डाल दूंगा. एंड लेफ्ट वाले में भी मल्टीपल लिगमेंट रप्चर्स, राइट वाले नी में पटेलर डिसलोकेशन, टेयर्स. लेफ्ट वाले में इसमें दो बार टेंडनाइटिस हो चुका है, एक बार आई थिंक सो ACL में माइनर टेयर्स आए थे. सो हाँ, गले में जो जो हम लोग के वर्टिब्रेस होते हैं उसमें मुझको नर्व कंप्रेशन है, जिसकी वजह से मुझे बहुत चक्कर आता है. सो लास्ट टाइम मेरा जो वर्कआउट छोटा था, मैं आपको एक वीडियो प्ले करता हूँ अभी. सो दिस इज मी लिफ्टिंग 200 kgs. एंड मतलब आई आज तक जो मैं मैक्स गया था दैट वॉज 160 kg 8 reps. सो आई वॉज रेडी कॉन्शियस कि मतलब मेरे को इंजरी नहीं चाहिए था और मैं वीडियोज बहुत देखता था बाइसेप टेयर एंड ऑल के. So I didn't want that to happen with me. ये सब मैं लेता हूँ सुबह उठ के. एंड मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ क्या क्या है. हाँ, सो ऑब्वियसली ये सारे प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस. सप्लीमेंट्स इज द रॉन्ग थिंग. अच्छे से लो, अच्छे से खाना खाओ, यू स्टे हेल्दी. सो स्टार्टिंग विथ नंबर वन, इट्स स्पिरुलिना. एंड मैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सारे के सारे साइट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंशन करते रहूँगा. एंड नंबर टू इज ग्लूकोसामाइन. एंड ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज माई जॉइंट्स एंड ऑल आर इन रियली अनहेल्दी कंडीशन, क्योंकि वेट ज़्यादा था, ओवर एक्सर्शन रहता था मेरे जॉइंट्स में हमेशा. तो फिर दिस इज बायोटिन. सो ये बायोटिन है, दिस इज फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, नेल्स, हेयर. मेरे पता नहीं कि आज कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, आई थिंक सो एसी के सामने छोड़ दिया था रात को मैं. आई डोंट नो वेदर वी शुड बी डूइंग इट ऑन. सो दिस इज एल कार्निटीन एंड आई पेयर इट विद CLA. दिस इज एल कार्निटीन, आई पेयर इट विद CLA. एंड CLA मैं यूज कर रहा हूँ बिग मसल्स का. अच्छा अब यहाँ पर ये फोकस नहीं हो पा रहा, फोकस हो, फोकस. सो बिग मसल्स का CLA यूज कर रहा हूँ मैं. फिर ऑब्वियसली फिश ऑयल, फिश ऑयल एंड ये मसल में इसे यूज कर रहा हूँ. देन आई एम यूजिंग मिथाइल B12 एंड फोलेट बाय पलक नोट्स करके है. हाँ, सो ये पलक नोट्स आई मेंशन द वेबसाइट बिलो, क्योंकि मैंने इनके सप्लीमेंट्स ट्राई किए हैं. जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं एंड क्योंकि वेबसाइट से मिलते हैं सो यू नो कि दे आर नॉट फेक. एंड देन आई एम हैविंग दिस कार्टिलॉक्स. सो इसमें फ्लेवर नहीं है, दैट्स व्हाई आई यूज दिस. मेरे को बहुत एक मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, बट एक कोलाजन के लिए मैं लेता था कोई और सप्लीमेंट एंड उसका फ्लेवर बहुत वियर्ड टाइप का रहता था. सो देखो आई प्रॉब्ली वर्कआउट आफ्टर 12 ओनली, क्योंकि मेरा आई नीड टू हैव समथिंग इन माई स्टमक बिफोर, वरना मेरे पास एनर्जी नहीं रहेगा. एंड आई डोंट नो टू स्टार्ट विद प्री वर्कआउट्स राइट नाउ. सो आई बी हैविंग इट लाइक थोड़ा आगे जाके मैंने हैव गेन माई स्ट्रेंथ एंड माई एंड्योरेंस बैक, देन आई विल बी गोइंग इनटू इट. राइट, सो मैं बताना भूल गया था मैं क्या क्या ले रहा हूँ, कितना डोसेज ले रहा हूँ. सो CLA का एक टैबलेट है, फिर
फिश ऑयल का एक टैबलेट है, ये है ग्लूकोसामीन, सो इसके 3 टैबलेट्स हैं, मिथाइल फोलेट के 2 टैबलेट्स, एल कार्निटीन के 2 टैबलेट्स, स्पिरुलिना के 3 टैबलेट्स, बायोटिन का एक टैबलेट, एंड ये कार्टिलॉक्स का एक सैशे लेता हूँ मैं रोज़ सुबह। फिर ये नॉर्मल मल्टीविटामिन है क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन महंगा सुसु। सो मैं जिम के लिए रेडी होने जा रहा था एंड मेरा एक पार्सल आ गया है। सो दिस इज फॉर द मोटर ब्लॉगर्स एंड ये ब्लू आर्मर का है, क्या कहते हैं इसको, चिन माउंट है। सो आई बहुत टाइम्स इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, डेफिनेटली रिकमेंडेड, क्योंकि ये क्या होता है कि अगर आप चिन स्ट्रैप यूज़ करते हैं दूसरा वाला जो मुझे दिख नहीं रहा आसपास में, बट वो जब आप यूज़ करते हैं तो आपका जो वाइजर रहता है वो हल्का सा खुला रहता है और उसके वजह से विंड नॉइज आता है। So that disrupts the audio quality and all, and audio quality matters a lot. So इसमें ये मैंने order किया है and ये 4 वाला kit है. So you get all these colors. This is like orange, black, green and blue. So black वाला मैं लगाऊंगा अपने SMK वाले में and green वाला इसके ऊपर install करूंगा. So installation is also really simple. कुछ नहीं करना है आपको, बस अपना helmet जहाँ पे इसको place करूँगा, जैसे मैं इस side पे place करूँगा एंड उसको बस एक बार साफ कर देना है उसको और फिर उसको चिपका देना है। सो आई बी यूजिंग अ गिटार का टेप फॉर होल्डिंग इट इन प्लेस। साफ हो जा। सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि डस्ट नहीं है एंड गीला नहीं है। मुझे पता नहीं चल रहा गीला है कि नहीं है। हाँ सूख गया। सो मैं ग्रीन वाली यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर हल्के हल्के ग्रीन एक्सेंट्स है। ऐसे प्लेस करके आपको देख लेना है कि कहाँ पे आपको इसको पुट मतलब एडजस्ट करना है। सो आई बी यूजिंग इट समवेयर ओवर हियर जहाँ पे इसके जो ये जो फिंगर्स हैं साइड साइड में दिखाता हूँ। सो दिस मेरे कैमरा तोड़ दूंगा मैं किसी दिन। सो दिख जा दिख जा दिख जा, मेरा कैमरा फोकस करने से मना कर दिया। तो आई जैसी प्लेस इट लाइक दिस एंड मैं आपको फाइनल दिखा दूंगा कैसा लग रहा है। तो एक बार आपने प्लेस उसको ना आपको पता चलेगा किस तरह प्लेस करना है। सो इसमें 3M टेप लगा हुआ है एंड जस्ट लाइक एक्स्ट्रा थिंग, अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर करना है जस्ट पुट सब एम सील, और एक और चीज़ आता है जो फिक्स करने के लिए होता है मेटल टू मेटल, यूज दैट। दैट्स इट, अब केप लगाऊंगा छोड़ दूंगा। सो मैंने केप लगा दिया है एंड वैसे ही छोड़ने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके सो मैंने इस पर अब केपो लगा दिया है एंड इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूंगा ताकि अच्छे से ग्लू स्टिक हो जाए एंड मेरे को दिख रहा है नहीं हो रहा अच्छे से। हाँ परफेक्ट। सो इसके लिए आपको बस एक टिप दूंगा कि जब आप इसको चिपका रहे हो मेक श्योर कि जो GoPro या फिर कोई भी एक्शन कैमरा आप यूज़ कर रहे हो उसका माउंट जहाँ पे स्लाइड इन होता है वो सीधा हो, वरना आपका जो फुटेज है वो टेढ़ा आएगा हमेशा। मैं कर चुका हूँ उससे बता रहा हूँ, इसको थोड़ी ऐसे छोड़ दूंगा एंड अब थोड़ी देर में निकला जाए जिम के लिए। ऑलराइट, सो आई एम डन, सब कुछ रेडी हो गया है, हेलमेट और बाइक से जाना होगा, घर पे एक भी गाड़ी नहीं है। तो श्रेश भी इज देयर वेटिंग, ऋषभ भी जिम में, चलते हैं। भैया ये ट्राइसेप्स के लिए होता है ना। तुम फोम रोल करो। पागल आदमी, जानते ना वो कितना पतला उस पर टंगा हुआ है, ऊपर देखिए। प्रशांत भैया को ये वीडियो भेजा जाए बोलते हुए कि टूट गया तो हमको क्या है। यश वर्मा इज द बेस्ट ट्रेनर इन पटना। ये मेरे स्टूडेंट नहीं है। हम बदनाम नहीं होने चाहिए।
मैं कर लिया मैं ये होता जब जब आपको कोई लड़की ध्यान नहीं देती है। हो गया मैं आपके डांसिंग वाले हैं। टाइटल में रहेगा ही ब्रोक हिज फुट। He broke my foot. Friendship over. Wait, let me look down on you. Chutiya pad tod diya harami mera.